आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजार की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कृषि फसल बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे कैसे सीड में। हमने सुबह के कारोबारी सत्र में देखा था कि 6300 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा था, अच्छी खासी बढ़तबंदी नजर आ रही थी। कैसे सीड में अचानक से 5800 पर ट्रेड करने के बाद कैसे सीड में अचानक से अच्छी तेजी देखने को मिली है। इस समय की बात करें तो इस समय कैसे सीड का फरवरी वादा 6276 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। कैसे सीड में आज ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देखने को मिली है, 1% की करेक्शन कैसे सीड में बनती नजर आ रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि कैसे सीड में शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए, छोटी अवधि के लिए तेजी देखने को मिल सकती है, जो कीमतों को ऊपर में 6500 तक के भी लेवल्स के ऊपर लेके जा सकती है। बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का फरवरी वादा देख रहे हैं 3304 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 0.5% की गिरावट के साथ। बिनौला खल में लगातार देख रहे हैं कि करेक्शन देखने को मिल रही है, 3300 पर ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। 3300 की से ऊपर ज़्यादा कीमतें नहीं जा रही है, ना ही नीचे देखने को मिल रही है। 3300 पर ही बिनौला खल का वायदा बाजार स्टक होकर रह गया है। बिनौला खल 3300 पर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बिनौला खल में क्या करके चलना सही रहेगा, जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एम सीवी पर। जी नमस्कार अमित जी। अमित जी, सबसे पहले आपसे बिनौला खल के ऊपर बात करना चाहूंगा। हम देख रहे हैं कि बिनौला खल 3300 के ऊपर ही सस्टेन है, लेकिन 3300 के ज्यादा ऊपर भी नहीं जा रहा है तो नीचे भी नहीं जा रहा है, यहाँ पर स्टक होकर रह गया है। आपको क्या लगता है, जो हमने जनवरी वायदा में 3400 का लेवल देखा था, अब 3400 के या 3500 तक के लेवल्स कब तक एक्सपेक्टेड है? जी देखिए, ओवरऑल एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली अभी भी बनी हुई है। ये एक मच नीडेड पॉज आप कह सकते हैं, क्योंकि लगभग 2800 या 2900 ब्रेक करने के बाद लगातार तेजी देखी गई थी। तो अगर एक साइडवेज सा कारोबार होता भी है तो इनफैक्ट एक अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि थोड़ा एक ब्रीदर मिलता है मार्केट को, नए पार्टिसिपेंट आने के लिए थोड़ा समय मिल जाता है। ओवरऑल व्यू वाइज 3500 से ऊपर के लेवल अभी भी इंटैक्ट है और इमीडिएट तौर पे 3240 से 50 के बीच में सपोर्ट है। तो जब तक वो लेवल होल्ड कर रहा है तब तक इमीडिएट तौर पे भी तेजी है, और अगर डिप आती भी है तो मेरे हिसाब से मीडियम टर्म बेसिस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जी, यही सब जी बात करें अगर कैसे सीड की, तो कैसे सीड में हमने आज सुबह तक देखा था कि कैसे सीड का वायदा बाजार NCDX पर फरवरी वायदा 6300 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा था, लेकिन अब देख रहे हैं कि 6200 के लेवल्स पर है और 1% की करेक्शन भी बन चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से करेक्शन और गहराएगी और फिर से यही 6400-6500 वाले लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? जी देखिए, मेरे हिसाब से ये जो करेक्शन है पहले 2 या 3 सेशन गहरा सकती है, यानी 6150-6140 इस रीजन में हमें प्राइसेस देखने मिल सकती है। उसके बाद मुझे लगता है कि फिर से पेस पिकअप होगी और 6400 के लेवल हमें पोजिशनली दोबारा देखने मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है शॉर्ट टर्म बेसिस मुझे लगता है कि पहले जो रुख है वो नीचे की तरफ होगा और निश्चित तरह से दोबारा बाइंग एनर्जी मिलेगी। जी, तो यानी कि पहले यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी और गिराएगी, जो नीचे में 6100 तक के लेवल्स तक जाएगी, फिर वहाँ से निचले स्तर से फिर से बाइंग इनिशिएट होगी अमित जी के मुताबिक, जो कीमतों को ऊपर में फिर से 6400-6500 तक के लेवल्स पर लेके जाएगी। ये सब अमित जी बात करें अगर अब मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो मसालों में हमने हाल ही में काफ़ी शानदार बढ़त आते देखी है, चाहे धनिया हो, हल्दी हो, जीरा हो, तीनों ही मसालों में काफ़ी शानदार बढ़त देखने को मिली, लेकिन आज देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग भी बनती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या इस कारोबारी सप्ताह में मसालों में यहाँ से आप प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी या फिर ये कल से फिर से तेजी की ओर ट्रेड करते नजर आएंगे? जी मेरे हिसाब से कुछ समय तक कंसोलिडेशन की जरूरत है। हालांकि धनिया में हमने देखा कि निचले स्तरों से दोबारा बाइंग एमर्जिंग पे दिखी है, जबकि जीरा हल्का सा साइडवेज सा कारोबार कर रहा है, 18400-18500 के ऊपर नहीं जा पा रहा है फिलहाल। सो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म बेसिस
एक साइडवेज सा कारोबार दिख सकता है, लेकिन ओवरऑल तेजी का रूप बना हुआ है। धनिया में मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द हम 10,000 के ऊपर के स्तर देखेंगे, और जबकि जीरे में एक हल्की सी करेक्शन के बाद दोबारा हम 19,000 तक के स्तर भी देख पाएंगे। जी यही समय जी बात करें अगर आप ग्वार कॉम्प्लेक्स की तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में आपने टारगेट दिया था कि ग्वार गम का वायदा बाजार 12,000 के ऊपर जा सकता है और ग्वार सीड का 6,500 के ऊपर। आज आपके दोनों ही टारगेट सचीव होते हुए नजर आ गए हैं। हम देख रहे हैं कि ग्वार गम 12,000 के पार है और ग्वार सीड 6,536 का हाई लगा चुका है। यहाँ से आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से ये जो तेजी है, जो रैली बनी है ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर, क्या यहाँ से कॉन्टिन्यूएशन में रहेगी या फिर यहाँ से कीमतें गिरेंगी और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी? मुझे लगता है एक मुनाफा वसूली का दौर हमें देखने मिल सकता है, क्योंकि 12,300 के ऊपर के स्तर हमने ग्वार गम में देख लिए हैं, तो एक जो नई ऊंचाई की बात हुई थी 11,600 के करीब, वो लेवल हासिल हो चुका है। पिछले 3 दिन में लगातार तेजी देखी है। उसी प्रकार ग्वार सीड में भी जो एक इमीडिएट लेवल हासिल हुआ है, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस फरवरी वायदा में 1.5 से 2 फीसद की करेक्शन हमें नेक्स्ट 2-3 दिन में देखने मिल सकती है, तो फिलहाल बाइंग अवॉइड करनी चाहिए एक स्तरों का। जी ये समय जी बात करें अगर कॉटन की, तो M6 कॉटन में आपको क्या लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार कॉटन में तेजी ही देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो एक डिस्कशन हुई थी पहले भी कि शॉर्ट टर्म में एक रेंज बाउंड मूव हमें देखने जरूर मिल सकता है 34,500 से 36,000 के बीच, लेकिन ओवरऑल 37,600 का एक लक्ष्य है, तो अब उस लक्ष्य से सिर्फ 1,000 पॉइंट दूर है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2-3 सेशन में वो हासिल हो जाना चाहिए, तो M6 कॉटन में अभी भी तेजी का रुझान बना हुआ है और इसके चलते मैं नए टारगेट्स जो हैं 37,600 के करीब के वो देना पसंद करूँ। जी ये समय जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लगता है, हम देख रहे हैं कि ब्राजील और अर्जेंटीना में सूखे के हालात हैं, वहाँ पर प्रोडक्शन कम रहने का अनुमान बताया जा रहा है, वहीं से USDA की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में सोयाबीन का प्रोडक्शन ज़्यादा रह सकता है, ऐसे में आपको क्या लगता है सोयाबीन में आगे कैसा माहौल रहेगा? जी हरिक, सोयाबीन में फिलहाल मुझे लगता है कि कुछ समय तक एक दायरे का कारोबार होगा, लेकिन 5,700 के ऊपर जब तक प्राइस टिकी हुई है तब तक जो रुझान है वो ओवरऑल ऊपर की तरफ रहेगा। शॉर्ट टर्म बेसिस 6,500 से 6,200 के बीच रेंज बाउंड ट्रेड देखने मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल रुख ऊपर की तरफ रहेगा और हम दोबारा काफी जल्द 6,800 से 6,900 के नए रिसेंट हाइस देख पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो डिप पे अभी भी बाइंग करना है या जिनकी ऑलरेडी पोजीशन है जिन्होंने रखी है वो एक रैली का वेट कर सकते हैं, जो हो सकता है कि नेक्स्ट 2 हफ्तों में हमें देखने मिल जाए। जी अमित जी आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे आप आज के लिए जो पूरे कारोबारी सप्ताह अच्छा मुनाफा देकर चल सकते हैं? जी मेरे हिसाब से M6 कॉटन में ध्यान देना चाहिए, वहां पर अभी भी तेजी के आसार हैं, और साथ ही मेरा मानना है कि कोई भी डिप मिले तो 3,200 से 3,250 के बीच कॉटन की रोल की गई बिनोला कल एक्युमुलेट किया जा सकता है 3,500+ के टारगेट के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।